अगर आपका माइनक्राफ्ट में घर कुछ ऐसा बनता है तो अगर मैं आपको कुछ टिप दूंगा तो आपका घर कुछ ऐसा बने लगा। तो आपको बस टिप्स को फॉलो करना है। तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ऐसे स्क्वायर से जगह लेनी है। आप कोई और शेप भी ले सकते हैं पर लेकिन वो प्लेन होनी। आप अपने घर के जैसा थोड़ा बॉक्स का शेप चूज करते हैं पर लेकिन ऐसा ये गलत है। आप ऐसा बॉक्स चूज करें पर लेकिन आप थोड़े बड़े बड़े बॉक्स और थोड़े छोटे छोटे डिफरेंट टाइप के बना के लगाएं तो ये देखिए दिखने में कितना मस्त लगने लगा और ये यूनिक टाइप का भी लगता है जैसे कि कोई नया सा घर हो। ये वाला स्टेप करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे जितने भी कॉर्नर है उनमें सब में आपको वुड ब्लॉक लगाना है और थोड़ा ऊपर तक लगाएं ताकि थोड़ा बड़ा घर लगे और सारे कॉर्नर पर लगाना है जिसकी वजह से ऐसा लगेगा थोड़ा मजबूत घर है और बढ़िया दिख रहा है। वुडन ब्लॉक लगाने के बाद तो अभी से कितना मस्त दिखने लगा और ऐसा लग रहा है कि अभी ये कितना मस्त हो गया। देखिए उसके बाद आप यहाँ पे जैसे ब्लॉक वुडन के लगा देते हैं, प्लैंक्स लगा देते हैं, आप उसकी जगह यहाँ पे कॉन्क्रीट यूज करें और अलग अलग कलर का कॉन्क्रीट यूज करो, पूरा पूरा फिल कर दे कॉन्क्रीट से। जैसे देखिए यहाँ पे मैं ग्रीन कॉन्क्रीट यूज करूँ और मैं इन सब में अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग कलर का कॉन्क्रीट यूज करूँगा। आप भी एक बार ट्राई करके देखें, कॉन्क्रीट बहुत मस्त दिखता है। ये देखिए जैसे अभी देखिए कितना मस्त दिखने लगा। मैंने देखिए इसमें पिंक कलर और ये कितनी मस्त कॉम्बिनेशन लगी। फ्लोर के बाद हमें यहाँ पे बॉल्स बनाने, तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा ये ब्रिक वाले जो बहुत स्ट्रॉन्ग भी दिखता है और ये बहुत मस्त भी दिखने लगता है कभी कभी मस्त। तो इसको मैंने पूरे ब्लॉक से फिल कर दूँगा इन वाली ब्रिक से और देखिए कितना मस्त दिखने लगा ये। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े यहाँ पे ऐसे डिग करके होल कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे हमें भी विंडोज भी तो बनानी है। फिर देखिए यहाँ पे ग्लास भी मैं यूज करूँगा और ये देखिए सारी विंडोज को भर दूंगा। काफ़ी बार हम सीढ़ियाँ अंदर को घर के अंदर बनाते हैं पर लेकिन मैं यहाँ पे पूरा बाहर बनाऊंगा जो कि दिखने में बढ़िया रहेगा और थोड़ी स्टोरेज भी बन जाएगी हमारे लिए जो कि हिडन होगी क्योंकि वो सीढ़ियों के नीचे होगी। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे पिलर टाइप के वाले ब्लॉक यूज़ कर रहा हूँ जो कि दिखने में मस्त लगते हैं और बढ़िया भी दिख रहे हैं। उसके बाद मैं इस साइड से पूरा ऊपर तक ले जाऊँगा और एक एक ब्लॉक मैंने छोड़ा नहीं क्योंकि पूरा हिडन दिखने लगेगा क्योंकि उसके बाद मैं थोड़ा साइड में आके यहाँ से पूरा बड़ा बड़ा या पूरा बना देता हूँ। ये कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे स्टेयर्स लगाऊंगा वो भी स्टोन की क्योंकि हमारा घर भी स्टोन से बना हुआ तो ये पूरा मैच करेगा और देखिए मैच भी कर रहा है। फिर मैं यहाँ पे पूरा नीचे तक फिल करूँगा, देखिए मस्त एकदम मैचिंग मैचिंग होने लगा ना। उसके बाद थोड़ा डेकोरेशन के लिए भी हम चीज़ें रखते हैं। जस्ट मैं यहाँ पे कंपोस्टर रखूँगा और उसके ऊपर थोड़ी लीव्स रख दूँगा जैसे ये डेकोरेटेड वाली लीफ है और उसके ऊपर एक और। ऐसे पूरे घर में अगर हम डेकोरेशन कर देंगे तो हमारा घर और भी बढ़िया दिखने लगेगा। जैसे देखिए मैंने पूरे घर में यहाँ पर डेकोरेशन कर दिया है, देखिए एकदम मस्त। और अगर आप लाइट के टॉर्च यूज़ करते हो तो आप लैंटर्न यूज़ करें क्योंकि दो डिफरेंट कलर्स में भी आते हैं और अलग अलग दिखने में मस्त भी लगते हैं और ये थोड़ा प्रोफेशनल टाइप के भी दिखाई देते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर अपने डेकोरेटेड आइटम्स के साथ मैं ऐसे लैंटर्न रखूँगा और जब आप इंटीरियर पर करें तो आप पता है फैंस लगा दें, नीचे ना रखें जो बहुत बुरे लगते हैं नीचे रखे हुए, तो आप ऐसे फैंस लगा दो उसके ऊपर, ऊपर भी रख सकते हैं नीचे भी रख दें और ये पूरे में लगा दें, देखिए कितना मस्त दिखने लगा ये। और अगर आपके माइनक्राफ्ट की छत ऐसे दिखती है तो आप उसमें एक बहुत अच्छा डेकोरेटिव कर सकते हैं। आप यहाँ पे थोड़े थोड़े ऐसे बॉल लगा दें, उसके बाद आप ऐसे पूरे में बॉल साइड साइड पर लगा दें, यहाँ पे जगह छोड़कर यहाँ पे थोड़े डेकोरेटिव आइटम्स रख देते जैसे लैंटर्न और लीफ, देखिए कितना मस्त दिखने लगा। आप यहाँ ऊपर एक छोटा सा और हट बना सकते हैं जो और मस्त दिखने लगा, जैसे प्लेजर का घर ऊपर रखते हैं मज़ा आ जाएगा। फिर हाउस का ये एक्सटीरियर कंप्लीट होने के बाद आप ऐसे ये बॉल होती है ये पूरे घर के बाहर बाहर लगा दें थोड़ा आउटर एरिया पर, जिससे आपके घर की एक बाउंड्री टाइप के बन जाए जो और बढ़िया दिखती है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एक कॉबल स्टोन वाली बाउंड्री ली है मैंने बॉल और इससे मैं पूरे अपने घर के चारों तरफ बाहर बाहर लगा दूँगा। आप थोड़ा थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप का शेप, ये करने के बाद आपका घर कुछ ऐसा दिखने लगेगा जो कि बहुत अमेजिंग दिख रहा है क्योंकि इसके देखिए चारों तरफ बाउंड्री भी, और जैसे आप ये बाउंड्री देख रहे हैं उसमें आप अपनी फार्म की कोई भी चीज़ फार्म बना सकते हैं, जैसे कोई सा भी फार्म बना सकते हैं जैसे वीट फार्म, कैरेट फार्म, पोटैटो फार्म, और देखिए दिखने में कितना मस्त लगेगा। और आप कमेंट करके बताएं आपको यह ऐसा घर कितना मस्त लग रहा है। आप ये टिप्स अपने घर के बनाने में ट्राई करेंगे या नहीं वो भी कमेंट में बता सकते हैं। और अंदर से हमारा अगर कुछ ऐसा दिखता है, मैंने इंटीरियर नहीं बनाया क्योंकि वो आप अपनी तरफ से कैसे ही बना सकते हैं। और देखिए हमारा सीक्रेट वाला रूम कुछ ऐसा दिखेगा और देखिए मस्त दिख रहा है इसी वक्त।